Very good morning to all my dear children. I hope you all are fit and fine at your home. Children, today we are going to start our chapter number 15, APJ Abdul Kalam, in which we are going to discuss about the science and technology. Right? We are going to discuss about the life of the APJ Abdul Kalam. Right? As you know that Dr. APJ Abdul Kalam the राइट वो बचपन में न्यूज़पेपर है वो सेल करते थे राइट और धीरे धीरे उसकी मेहनत राइट और डेडिकेशन और उसकी जो डिज़ायर थी न्यू न्यू थिंग्स लर्न करने की राइट वो उसके साथ साथ वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट्स बने ओके तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ द India, then you have to answer that Dr. APJ Abdul Kalam, right? He was honored with India's highest civilization award, that is Bharat Ratna, in 1997 में उसको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था एक बुक है विंग्स ऑफ फायर जिसमें APJ अब्दुल कलाम की चाइल्डहुड पर्सनल लाइफ करियर यानी कि उसकी ऑटोबायोग्राफी है ये बुक में तो जब भी आपको टाइम मिले आप ये बुक रीड करना ये बुक बहुत अच्छी है ओके सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का गोल क्या था राइट वो क्यों वर्क कर रहे थे हमारे नेशन के लिए यहाँ पे आपको सब कुछ क्या क्या उसने वर्क किया वो सब कुछ यहाँ पे दिया है सो लेट्स स्टार्ट द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया उसके बारे में हम जानते हैं द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया देर इज नॉन क्लोज टू यू इन दिस मिलानिया इस सहस्त्र में मतलब यहाँ पे आपके जैसा कोई नहीं है यू वेर अ ट्रू टीचर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे वो टीचर थे राइट वो रिश्ड आउट टू एवरी स्टूडेंट्स जो हर एक स्टूडेंट्स के दिल में बसते थे एंड वर्कड टूवर्ड्स द कंट्रीज प्रोग्रेस एंड डेवलप और कंट्री की प्रोग्रेस एंड डेवलप के लिए उसने काम किया था पृथ्वी एंड अग्नि वेयर डेवलप अंडर योर लव एंड केयर एंड यू ड्रीम्ड ऑफ मिसाइल्स फॉर पीस नॉट फॉर वार उसने पृथ्वी एंड अग्नि नाम की मिसाइल्स से वो डेवलप की थी राइट पीस के लिए शांति के लिए युद्ध के लिए नहीं ओके यू केम एज अ लाइट एंड इल्यूमिनेटेड यू लिव्ड एज अ लाइट एंड क्रिएटेड एन एंटायर जनरेशन सो मोटिवेटेड एंड द वर्ल्ड ऑफ पीस फार अवे फ्रॉम हार्टरेड आप एक ऐसे लाइट के जैसे आए हो कि पूरी एंटायर जनरेशन जो जनरेशन है उसको मोटिवेट किया है और पूरे वर्ल्ड को शांति की जो सूचना है राइट शांति का जो संदेश है वो दिया है और नफरत से बहुत दूर रखा है यू एम्ड फॉर अ वर्ल्ड विदाउट एनी फेंसिस यू एम्ड फॉर अ वर्ल्ड ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यू एम्ड फॉर अ पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ योर नेशन द SLV-3 that put Rohini into orbit was your creation. आपने बिना किसी स्वार्थ के दुनिया के लिए लक्ष्य रखा आपने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कोएग्जिस्टेंस की दुनिया के लिए लक्ष्य रखा आपने अपने देश की शांति और सुरक्षा का लक्ष्य रखा रोहिणी को कक्षा में स्थापित करने वाली SLV-3 जो थी वो आपकी रचना थी दैट इज योर क्रिएशन राइट इन 1998 यू अनाउंस्ड द कंट्रीज न्यूक्लियर स्टेटस विद अ बिग बैंग द ब्रेन बिहाइंड द मल्टीपल न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण 2 वाज योर्स कलाम ऑन 11th मई 2015 यू ट्वीट On the Pokhran nuclear test searched when most the world was sleeping, India's nuclear era emerged. 1998 में आपने बड़े धमाके के साथ देश के परमाणु जो दर्जा था उसकी घोषणा की पोखरण 2 राइट
में कई परमाणु परीक्षणों के पीछे जो दिमाग था वो आपका था। 11 मई 2015 को पोखरण परमाणु परीक्षण पर आपका ट्वीट बढ़ा गया। जब दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा सो रहा था तब भारत ने परमाणु युग को उभारा। यू एनवाइज्ड 2020 इंडिया एज अ ग्रेट नेशन विथ स्कॉलर्स साइंटिस्ट एंड इन्वेस्टर मेकिंग इट द डेस्टिनेशन अ नेशन वेयर द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिव ट्रांसपेरेंट एंड करप्शन फ्री A nation where agriculture and industry and service sectors work harmony. आपने 2020 में के भारत को एक महान राष्ट्र के रूप में परिकल्पित किया था। विद्वानों, वैज्ञानिकों और निवेशकों के साथ इसे अपना गंतव्य बनाया रखा है। एक ऐसा राष्ट्र जहां पे कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र सद्भाव में काम करते हैं। अ नेशन नेक्स्ट अ नेशन वेयर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आर नॉट डिनाइड एजुकेशन ड्यू टू सोशल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन अ नेशन दैट फॉलोज द पाथ ऑफ सब्सटेंसेबल डेवलपमेंट एंड न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज फॉर डेवलपमेंट एंड मेडिकल एप्लीकेशन। आपने एक ऐसा राष्ट्र जहाँ पे सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के कारण छात्रों के शिक्षा से वंचित नहीं किया जाता, एक ऐसा राष्ट्र आपने बनाया, एक ऐसा राष्ट्र बनाया जो सतत विकास और परमाणु ऊर्जा के मार्ग का अनुसरण करता रहा, विकास और चिकित्सा के अनुप्रयोग के लिए उसका उपयोग किया जा रहा था। आप एक सच्चे देशभक्त, दार्शनिक, एक प्रेरक वक्ता, एक वैज्ञानिक, आध्यात्मिक साधक, एक निर्माता, भारत का मिशेल वेन, राइट? यानी कि दिस देयर इज नन क्लोज यू इन दिस मिलेनिया। जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उसने भारत के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा वर्क किया है, राइट? तो उसके जैसा यहाँ पे कोई नहीं है, हमेशा बोल सकते हैं। स्विट्जरलैंड नो द फैक्ट ऑफ दिस चैप्टर चिल्ड्रन स्विट्जरलैंड सेलिब्रेट 26 मई। स्विट्जरलैंड में 26 मई को साइंस डे मनाया जाता था क्योंकि 2005 में APJ अब्दुल कलाम थे उसने वहाँ पे विजिट किया था और उनको ऑनर देने के लिए वहाँ पे तब से साइंस डे मनाया जा रहा है। ओके, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के वर्ड्स थे, इफ़ यू फेल, अगर आप फेल हो रहे हो, सो नेवर गिव अप, क्योंकि आपको गिव अप नहीं करना है, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। देखो बच्चों, कि वो जब छोटे थे तब न्यूज़पेपर सेलिंग कर रहे थे, राइट? उसने भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाके उसको इतना सक्सेस मिला है। तो कभी भी आपकी सिचुएशन चाहे जो भी हो, राइट, आपको गिव अप नहीं करना है, राइट? यू हैव टू डू योर वर्क एज बेस्ट एज यू कैन, राइट? आपको इतना अच्छा वर्क करना है जितना आप कर सको, राइट? और हार्डली वर्क करना है आपको, ताकि आपका जो वर्क है वो सक्सेसफुल हो, आप हर एक काम में सक्सेसफुल रहो। ओके, नॉट वेस्ट टाइम ऑफ दिस चैप्टर चिल्ड्रन, टेक द करेक्ट आंसर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल्स लाइक, उसने कौन सी डेवलपमेंट की थी? मिसाइल अग्नि, यहाँ पे टिक मार्क आएगा। ओके, डॉक्टर कलाम्स विजन फॉर मेकिंग मिसाइल वॉज, उसका विजन क्या था मिसाइल्स बनाने के पीछे? पीस। ओके, नेम द सैटेलाइट दैट डॉक्टर अब्दुल कलाम पुट इनटू ऑर्बिट यूजिंग SLV-3। SLV-3 के थ्रू उसने कौन सी सैटेलाइट को ऑर्बिट में कक्षा में रखा था? रोहिणी नाम की जो सैटेलाइट थी वो।
इन विच ईयर वॉज पोखरण टू टेस्ट कंडक्टेड, पोखरण टू का कब टेस्ट कंडक्ट किया गया था, 1998 में. वेन डिड डॉक्टर अब्दुल कलाम ट्वीट, वेन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉज स्लीपिंग इंडियाज न्यूक्लियर एरा मर्ज्ड, वहाँ पे आएगा 11 मई 2015. What did Dr. Abdul Kalam value the most in the working of agriculture, industry and service of for India to become the great nations? कैसे वर्क करने के लिए बोला था? हारमोनी. यहाँ पे क्या आएगा? हारमोनी. What did Dr. Abdul Kalam want India to use nuclear energy for? Dr. Abdul Kalam क्या चाहते थे कि न्यूक्लियर एनर्जी है वो किसके लिए यूज़ होनी चाहिए? डेवलपमेंट के लिए. डॉक्टर अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम इज ग्रेटली रिमेम्बर्ड एज, कैसे वो रिमेम्बर होते हैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट के हिसाब से. डॉक्टर अब्दुल कलाम कन्वेंड दैट इंडिया वुड बिकम अ ग्रेट नेशन बाय द ईयर, उसने बोला था कि 2020 तक इंडिया है वो ग्रेट नेशन बनेगा. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अब्दुल कलाम, व्हाई शुड नेशंस डिजायर टू एम फॉर द वर्ल्ड विदाउट फेंसेस, तो वहाँ पे क्या आएगा बच्चों? पीस, फॉर पीस. व्हाट कुड सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन देनी मेरिटेशियस स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे आएगा एजुकेशन. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज सेड टू बी अ ट्रू टीचर बिकॉज ही लव्ड हिज, यहाँ पे आएगा बोथ ए एंड बी, बिकॉज उसको उसका काम और उसके स्टूडेंट्स दोनों अच्छे लगते थे, राइट? तो यहाँ पे आप ऑप्शन डी पे टिक मार्क करोगे. ओके, सो ओवर हियर चिल्ड्रन वी आर कंप्लीटिंग आवर चैप्टर नंबर 15, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. ओके, आपको भी ये अच्छे से रीड करना है, राइट? APJ अब्दुल कलाम के बारे में नॉलेज है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो लर्न करनी है. अगर आपके पास टाइम मिले तो ये बुक विंग्स ऑफ फायर वो भी रीड करनी है. ओके, सो कंप्लीट दिस चैप्टर एंड सेंड मी इफ़ यू हैव डाउट, यू कैन आस्क मी. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.